cast me far away. Play these little games, acting all okay. Today, today, cast me far away. Play these little games, acting all okay. Today, today. आपको डिफरेंस पता लगेगा कि पहले गाड़ी कैसी थी एंड हमने किस पार्ट पे क्या चीज यूज की है एंड उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया डिफरेंट लेवल पे। तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर पे आप देखोगे कि जो इसकी फ्रंट ग्रिल है ये ब्लैक मैट है। ब्लैक मैट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, लाइक आप उस पर पॉलिशिंग कराते हो या मिट्टी वगैरह से, वो कुछ दिनों बाद व्हाइट दिखने वाला है। जैसे कि कस्टमर ने मंथ ऑफ मार्च में ही गाड़ी परचेज की है जिसको हम अपना बॉडी कलर से मैचिंग करेंगे। एंड जो आप इसका फ्रंट ग्रिल भी देख रहे हो, नीचे की क्लैडिंग भी आप देख रहे हो, उसका बम्पर भी आप देख रहे हो, ये भी कस्टमर को सिल्वर नहीं चाहिए, ये भी कस्टमर पूरा ब्लैक चाहते हैं। ग्रिल नीचे के बम्पर के साथ साथ भी कस्टमर साइड क्लैडिंग को भी अपना पूरा कवर अप करना चाहते हैं बॉडी मैच से। आप देख सकते हो पूरा मैट ब्लैक है जो कि अब थोड़ा सा व्हाइट पड़ने लगे कुछ टाइम। पूरा लुक आप देख सकते हो कि साइड क्लैडिंग जो भी आप देख रहे हो कि ब्लैक मैट है, हम उसको पूरा बॉडी कलर से मैच करेंगे, ब्लैक करेंगे। कॉस्ट कस्टमर की चॉइस है क्योंकि उनको टोटली कार ब्लैक चाहिए। एंड पीछे का बम्पर भी आप देख सकते हो जो कि सिल्वर एंड ब्लैक मैट है, हम उसको भी मैच्ड विथ बॉडी करने वाले हैं। इसके ऊपर हम 9x सिरेमिक कोटिंग भी करने वाले हैं जिसका मैं बिफोर लुक आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप इसका लुक देख सकते हैं कि काफी सारा जो पेंट है वो बहुत ज्यादा डल हो चुका है एंड शाइनिंग भी बिल्कुल ज्यादा नहीं रही, बहुत सारे स्क्रेचेस एंड स्वॉल मार्क्स आप देख सकते हो। मैं आपको पूरी कार का एक वॉक अराउंड शेयर करती हूँ जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ट्रीटमेंट से पहले की कार क्या रहने वाली है एंड बाद में हम इसका कैसा लुक आएगा। We'll be right back.
मार्क बेस्ड रेडी होगी जिसका बिफोर लुक तो आप शेयर मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ एंड मैं अब आपको उसका आफ्टर लुक दिखाने वाली हूँ। बट मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ कि मैं इस कार की वीडियो टू पार्ट्स के अंदर डालने वाली हूँ, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं पूरा एक्सटीरियर इसका कवर करूंगी एंड सेकेंड पार्ट में मैं इसका पूरा इंटीरियर कवर करके आपको शो करूंगी। ऊपर नाइट सिरेमिक कोटिंग किया है जिसका बहुत ही ज्यादा डिजास्टर चेंज आपको देखने को मिलेगा एंड उसकी शाइनिंग आई है नाइट सिरेमिक कोटिंग करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मैं आपको इसका भी शेयर करती हूँ, सिरेमिक कोटिंग का भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, फर्स्ट हमने इस कार का कस्टमर चॉइस के अकॉर्डिंगली इसकी कार का जो थीम था वो था ब्लैक एंड रेड, बट कस्टमर आउटर में जो चाहते थे वो पूरा फुल ब्लैक चाहते थे। बट हम लोगों ने कस्टमर को सजेस्ट किया कि सर आपने जब इंटीरियर में ब्लैक एंड रेड कलर का थीम लिया तो एक्सटीरियर में भी आप उसका कुछ स्पोर्ट्स लुक के लिए कुछ लिटिल बिट रेड कलर का टच डालो, जिससे आपकी कार बहुत ही ज्यादा डिसेंट लगेगी एंड स्पोर्ट्स लुक भी लगेगी एंड जैसा आप चाहते हो उससे शायद बेटर। इसकी ग्रिल थी वो और पहले इसकी थी आपकी मैट ब्लैक के अंदर, जिसको हम लोगों ने प्यामा फिनिश के अंदर चेंज किया है। आप इसकी फील देख सकते हो, मतलब इसकी फिनिशिंग देख सकते हो कि जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट देगी उनको पूरी कार ब्लैक चाहिए, कहीं भी उनको मैट फिनिश नहीं चाहिए, तो हमने इस तरीके से इसको रेडी किया है। आपको पता होगा कि जो ये ग्रिल थी आपने देखा होगा, ये ग्रिल भी इसके अंदर सिल्वर कलर की थी, जिसको हम लोगों ने रेड सेमी ग्लॉस के अंदर किया है कि पूरी कार के ऊपर जब पूरी बॉडी इस कार की ग्लॉस है, हाई ग्लॉस है, तो उसके साथ ही सेमी ग्लॉस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। रेड कलर में पूरा स्पोर्ट्स थीम दे रहा है, स्पोर्ट्स लुक के लिए हम लोगों ने इसके अंदर आउटर में भी अपना फ्रंट डिफ्यूजर में आप जैसे देख पा रहे होंगे कि पहली वाली जो मैंने बिफोर लुक शेयर किया था उसमें इसका फ्रंट टू रियर डिफ्यूजर नहीं था, हम लोगों ने इसके अंदर फ्रंट डिफ्यूजर लगाया है। इसको भी हम लोगों ने मैट फिनिश की जगह ग्लॉस फिनिश दिया है एंड स्पोर्ट्स लुक के लिए इसके नीचे का पार्ट हम लोगों ने रेड दिया है, ताकि कस्टमर चाह रहे थे उनको वैसे ही उनकी कार मिली है। एंड रेड हम लोगों ने कस्टमर को सजेस्ट किया था कि सर आप रेड कलर का भी टच दो ताकि वो इंटीरियर से भी मैच हो एंड जो आपका आइडिया है जैसा आप चाहते हो उसको कि आपको स्पोर्ट्स लुक चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने रेड कलर भी दिया। बहुत ही फिनिशिंग आप देख सकते हो डिफ्यूजर से, कार थोड़ी हैवी लग रही होगी, जबरदस्त लग रही है कि यस बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग आप इसकी देख सकते हो कि हाई ग्लॉस में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं और क्या क्या चीजें आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं। मतलब अगर आप इसको फिजिकली इस कार को देखोगे कि जो कस्टमर का सपना था या जो कस्टमर का ड्रीम था कि इसको स्पोर्ट्स लुक बनानी है अपनी इस कार को, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से साथ। अब हम चलते हैं साइड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो भी इसका मैट फिनिश का पार्ट था, रनिंग बोर्ड आप इसका देख सकते हो कि हम लोगों ने उसको भी ड्यूअल फिनिश के अंदर किया है। रेड कलर का आप देख सकते हो रनिंग बोर्ड के ऊपर भी हम लोगों ने रेड सेमी ग्लॉस किया है, जैसा कि स्पोर्ट्स थीम था। एंड अगर हम थोड़ा सा दूर से देखें तो ऐसा लगे कि हम लोगों ने इसके ऊपर कोई स्कर्टिंग लगाई है, बट नहीं, हम लोगों ने इसको ड्यूअल कॉम्बिनेशन के अंदर रेडी किया है, ब्लैक हाई ग्लॉस एंड रेड सेमी ग्लॉस फिनिश के अंदर। अपने रियर डिफ्यूजर को जिसको लोग बम्पर एक्सटेंशन भी बोलते हैं, आप इसको भी देख सकते हो, इसको भी हम लोगों ने टोटली ब्लैक हाई ग्लॉस फिनिश के अंदर रेडी किया है। इसके अंदर भी हम लोगों ने नीचे लोअर साइड की तरफ हम लोगों ने इसमें रेड सेमी ग्लॉस किया है, जो पूरा स्पोर्ट्स लुक दे रहा है। आप इसके एग्जॉस्ट देख सकते हो कि उसकी हम लोगों ने हाईलाइटिंग करने के लिए रेड दिया है। बम्पर एक्सटेंशन जिसको लोग डिफ्यूजर भी बोलते हैं, ये इवन आपकी कार को प्रोटेक्ट भी करता है, जिससे क्या होता है कार पहले हैवी तो लगती है, उसी के साथ जो पूरा एसयूवी वाला फील है वो भी आता है, और उसी के साथ ये आपकी कार को प्रोटेक्ट भी करता है इनकेस जो लिटिल बिट स्क्रेचेस से आपके डेली लाइफ में लिटिल बिट स्क्रेचेस नॉर्मल लग जाते हैं, उससे आपके रियर एंड फ्रंट बम्पर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्क्रेचेस फ्रंट और रियर पे ही आते हैं। इसके अलॉयस पे आप देखेंगे कि अंदर का जो कैलिबर वाला पार्ट था वो हम लोगों ने रेड ग्लॉस किया है, क्योंकि एज पर कस्टमर थीम वो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के साथ मैचअप हो रहा है। एंड मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अलॉयस के ऊपर भी अपना सेरामिक कोटिंग किया है, ताकि बॉडी पार्ट के साथ साथ इसका अलॉयस भी प्रोटेक्ट रहे।